अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इसकी वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी एस 401 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2022। इसके जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स है और ड्यू डेट जो है वो 10 जून 6 2022। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में जो है आपके लेक्चर 1 से लेकर 12 तक के कवर हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ब्लेंडर की थ्योरी समझ में आ जाए और सिमिलर विद डिफरेंट प्रोटोटाइपिंग होती है टूल्स की डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है। और अनेबल यू टू अंडरस्टैंड विद द डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में। आपने असाइनमेंट जो है एमएस वर्ड के फॉर्म में सबमिट करवाना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि आप लोगों को मालूम है कि कलर 3 टाइप के होते हैं। एक प्राइमरी कलर होता है, एक सेकेंडरी कलर होता है और एक टर्शियरी कलर होता है, ठीक है। आपको कॉलम ए दिया गया, कॉलम बी दिया गया, आपको बताना है कि कॉलम ए कलर कौन से हैं। तो ये आपके हैंड नोट्स में, तो आपने क्या करना है, कॉलम ए में आएँ, अब येलो और ऑरेंज को कॉपी करें, या सी पी येलो ऑरेंज को कॉपी करके कंट्रोल सी करें और अपने हैंड आउट में आए और उसको आप वहाँ जाके पेस्ट कर दें। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो देखें एक ही लिंक आ रहा होगा, उसके अंदर आप क्लिक कर दें तो आप भी देखें लिखा हुआ आ रहा है। तो येलो ऑरेंज कौन सा है? वो टर्शियरी कलर है, ठीक है। तो उसके आगे मैंने लिख दिया है पर्पल और ग्रीन क्या है, तो कॉपी करें सामने तो देखें इसके ऊपर ही लिखा हुआ है पर्पल और ग्रीन। तो ये किसमें आते हैं? ये सेकेंडरी कलर में आते हैं, तो इसके आगे हम सेकेंडरी कलर लिख देंगे। अब ब्लू किसमें आता है? तो आप जरा सा ऊपर आए देखें, ब्लू प्राइमरी कलर में आता है, तो इसके आगे हम प्राइमरी लिख देंगे। ऑरेंज के हैं, ऑरेंज कलर हम चेक करते हैं, देखें ऑरेंज ग्रीन और पर्पल के साथ है, तो किस में आता है? सेकेंडरी में आता है, तो उसको हम सेकेंडरी में लिख देंगे। अब रेड और पर्पल किस में आते हैं? देखें रेड और पर्पल कलर किस में आता है? टर्शियरी कलर में आता है, तो हम वहाँ लिख देंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि कुछ ऑनलाइन टूल होते हैं, तो उसके बारे में हमें डिफाइन करना है कि टूल डिज़ाइनिंग में काम आता है। तो वही कह रहे हैं कि इनमें से टूल है जो कि हम दो टूल के बारे में बात करना चाहेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन टूल अवेलेबल है मार्केट में, एक फिग्मा एक वेबफ्लो, ठीक है। तो हमें इस पर एक अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट में जो हमारी ईमेल या फिर हमारा यूज़र नेम होना चाहिए, ठीक है। तो इतना सा काम करना है। 5 हमारे पास ये ऑनलाइन टूल है जो डिज़ाइन में काम आते हैं, फिग्मा, इनविजन, वेबफ्लो, ओरिजिनल स्टूडियो, जस्ट इन माइंड। तो इनमें से वो 2 कह रहे हैं कि आपने इस पर अकाउंट बना के हमें स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। देख सकते हैं इस तरीके से आपने फिग्मा का हो गया और ये हो गया वेबफ्लो का, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले इनकी वेबसाइट, इस पर अगर कंट्रोल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर ओपन हो जाएगा, लेकिन मुझे ऑटोमेटिक नहीं करना, मुझे गूगल में ओपन करना। मैं कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल बी कर लूँगा, वैसे मैं करूँगा तो यहाँ पर लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर देख सकते हैं एक तो आइकन बना हमारे फिग्मा का, ऊपर साइड पर राइट साइड पर लॉग इन आ रहा है साइन अप। तो हमारे लॉग इन नहीं करना, हमें साइन अप करना है। अब चाहे तो ट्राई फॉर फ्री भी कर सकते हैं, तो मैं साइन अप पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं साइन अप पर क्लिक करूँगा आपके पास 2 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, या तो आप ओपन विद जीमेल कर लें या फिर आप स्टार्टिंग से आईडी बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। पहले वाले में मैं जो है अपनी ईमेल डालता हूँ, मैं अपनी व्यू की ईमेल डालना है, कोई सी भी ईमेल डालना है, मेंशन नहीं आए, लेकिन बेहतर यह कि अपनी व्यू की ईमेल डालें क्योंकि आपका व्यू का असाइनमेंट है। मैंने अपनी व्यू की ईमेल की आईडी डाली और उसका पासवर्ड डाला और मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दूँगा। आपकी जो भी आईडी आप इसमें डाल के क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट करूँगा, लोडिंग लेकर इसमें आपका नाम पूछेगा, आप अपना नाम डाल लें, जो भी आपका नाम है, जो आपका व्यू में आपका नाम रजिस्टर्ड है वही इसमें डालिएगा क्योंकि आपके असाइनमेंट में वो सेव होगा। कुछ भी डाल लें इसके अंदर आप, जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, आप एक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है, कुछ भी डाल लें इसके अंदर। एग्री करें, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दें, थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 मिनट लेगा ये, और फिर ये हो जाएगा। आप आपको वेरीफाई ईमेल करनी है, ठीक है। आप अपनी वीडियो की ईमेल आईडी खोलें और वहाँ पर जाके आपको एक ईमेल आई होगी, तो देखिए ये ईमेल आई हुई है फिग्मा की तरफ से। इसको आप खोलें और यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, नीचे आपको दिया हुआ है वेरीफाई का बटन, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी और देखें आपका नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आप इसमें अकाउंट बना चुके हैं, ठीक है। आपका इंटरफेस ओपन होगा, इसमें आप डाल दें कुछ भी, वेलकम टू फिग्मा, ठीक है, स्टार्ट फॉर फ्री कर दें, कुछ भी चूज़ कर लें इसमें से, तो अब आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें वो स्क्रीन शॉट चाहिए, तो वहीं पर जाएंगे और इसके स्क्रीन शॉट ले लेंगे। तो यहाँ पर देखें आपका नाम आना चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट लेने के लिए हम पे करेंगे, देखें इस तरीके से हमारा नाम लिखा हुआ है, मेरी आईडी लिखी हुआ है, ये आपने इसका स्क्रीन शॉट लेना है, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट लेने के लिए हम पे करेंगे, हम सर्च बार पर आएँगे, स्टेपिंग टूल टाइप करेंगे, ये खुल जाएगा, न्यू पर क्लिक करेंगे और उसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे। ऐसे ड्रैग करेंगे तो फ़ौरन ये सेव हो जाएगा, ऊपर सेव का बटन ये लिखा हुआ है, सेव पर क्लिक कर देंगे और उसको हम डाउनलोड में सेव कर लेंगे। जो भी हमारा असाइनमेंट है फिग्मा के नाम से मैंने सेव कर लिया और ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब इसी तरीके से हम चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ, तो पार्ट बी में इसमें बोल रहे हैं वेब फ्लो के जरिए आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो इसी को मैं सिंपल कॉपी करूँगा, गूगल में आऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। ऐसे पेस्ट करूँगा ये इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ऊपर लॉग इन, फिर आपने लिखा गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड मैं क्लिक करूँगा, लॉग इन नहीं करना मैंने क्योंकि मेरे इस पर अकाउंट बनाना नहीं है। अगर आपका अकाउंट बनाना है तो आप इस पर लॉग इन करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ईमेल डाल के दिखाई थी, अब मैं इस पर करता हूँ साइन इन विद गूगल, ठीक है। बात एक ही है, अगर आप साइन इन विद गूगल करेंगे जो आपका ईमेल आईडी के नाम होगा वो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं वर्चुअल हिस्ट्री की आईडी से करूँगा तो मेरा फिर व्यू की आईडी आएगी, ठीक है। तो आप स्टेप फॉलो कर दें जो आपको समझ में आ रही है।
आप फॉलो करते जाओ, जो भी आपके नीचे ऐसे भी सही लोडिंग लेगा और एक मिनट लेगा ये, आपका ये हो जाएगा, इंटरफेस ओपन हो गया, हमें ये इंटरफेस चाहिए था। इसको स्किप कर दें आप, कोई पूछ रहे हैं स्किप आप कर दें। ये ओपन हो गया हमारा इंटरफेस, ठीक है। तो हमें इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया, रेड कलर पे देखें आप, यहाँ पे रेड उन्होंने हाईलाइट किया हुआ, तो यहाँ पे आपका नाम आना चाहिए, ठीक है, आपके नाम या आईडी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपका नाम डालें, आईडी डालें, जो भी आपने डाले पहली बात होगी, वी यू की ईमेल की आईडी तो इसमें मसला नहीं है, आपका नाम आना चाहिए, आईडी आनी चाहिए, बात एक है, ठीक है, इतना इशू नहीं है। यहाँ लिखा हुआ भी है बेस्ड ऑन योर ईमेल एड्रेस एंड यूज़र नेम, ठीक है, ईमेल एड्रेस एंड यूज़र नेम, पहले वाले पे आपका नाम और ईमेल शो हो रहा था, ठीक है, आपको वो डालना है, और यहाँ पे आप अपनी आईडी से लॉगिन किया, क्योंकि मैंने अपनी वर्चुअल हिस्ट्री की आईडी से लॉगिन किया, तो इस वजह से मेरी यहाँ पे आईडी लिखी हुई आ रही है, ठीक है। उसको मैं सेव कर लूँगा वेबफ्लो के नाम से, और सेम यहाँ पे आके स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दूँगा। हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है डिज़ाइनिंग में कुछ ढेर सारी चीज़ें आती है, जिसमें से आपको इसमें दी गई है, पहले में है विजिबिलिटी, दूसरे में है अफोर्डेबल, तीसरे में कॉस्ट रेट, चौथे पे है मैपिंग, और पाँचवें पे कंसिस्टेंसी, और छठे पे है फीडबैक, ठीक है। तो इसमें से ये कह रहे हैं कि 2 पॉइंट आपने डिफाइन करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस, जो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। डिज़ाइनिंग टू यानी फिग्मा और वेबफ्लो को आपको मद्देनजर रखते हुए इन 2 चीज़ों पर आपने बताना है, ठीक है, विजिबिलिटी और हाइसिटेंसी, उसे 3 लाइन में आपने डिफाइन करना है, ठीक है, फिग्मा और वेबफ्लो के बारे में। पहले चलते हैं विजिबिलिटी ऑफ फिग्मा, तो आप नेट पे जाएंगे, मैंने 4 आर्टिकल खोल कर रखे हैं, पहले आर्टिकल में हमें देख सकते हैं, नेट पे टाइप करेंगे आप विजिबिलिटी ऑफ फिग्मा, तो ये पॉइंट लिखे हैं, आप चारों यहाँ पे पेस्ट कर दें कॉपी करके, आप चाहें इसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लीजिएगा, ये जैसे आपको फैम्बल दिया गया, इसके अंदर आप थोड़ी बहुत अपनी आगे पीछे करके डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर हमारा, अब चलते हैं कंसिस्टेंसी इन फिग्मा, उसको मैं कॉपी करूँगा, नेट पे हमको आर्टिकल दिया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, आप जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। यही सेम टैक्स उठा के मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए, आप इस पर थोड़ा बहुत एडिट कीजिएगा और इसमें अपनी वेडिंग में पेस्ट कर दीजिएगा, जो उसके बारे में बताया गया है कंसिस्टेंसी होती क्या है, ठीक है, इसका ख्याल रखिए, गलती से किसी और में पेस्ट मत कर दीजिएगा। अब चलते हैं वेबफ्लो की विजिबिलिटी की तरफ, ठीक है, सेम लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ये टेक्स्ट लिखा है इसमें आप चाहे तो एडिट कर लीजिएगा सेम, तो कॉपी करूँगा और मैं पेस्ट कर दूँगा, सेम चलूँगा। कंसिस्टेंसी में चौथा लिंक दिया गया है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसके बारे में, आप चार्ज पर पढ़ना पूरा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, इसमें थोड़ी बार बड़ी चेंज कर दिएगा, काफ़ी लंबा टेक्स्ट भी लिखा है इसके अंदर, अब जाके पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपको सैम्पल दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में, आप इसमें जाके एडिट कर लीजिएगा, सेम मत रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका असाइनमेंट है, बहुत आसान असाइनमेंट है, ठीक है, तो उसकी डेडलाइन क्या है, वो 10 जून है, तो इस तरीके से आप असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबमिट किस चीज़ से करवाना है वो भी मैं आपको थोड़ा गाइड देता हूँ, यानी कि सैम्पल पेज खोल जाए, इसमें से जो गैर जरूरी चीज़ें हटा दें, इसमें एडिट करें, और इनकी जो स्क्रीन शॉट थी उसकी जगह अपनी स्क्रीन शॉट पुट कर दें, स्क्रीन शॉट पुट करने के लिए क्या करेंगे, सेट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, और जहाँ आपने सेव किए वो आप क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक कर देंगे आप ट्रैक करेंगे, इस तरीके से आपका डिफ्रेंस आ जाएगा, एक बार मतलब चेक कर लें कि आपका ये स्क्रीन शॉट है, ठीक है, दोनों में हम पेज से पेस्ट कर देंगे, हमारा नाम लिखा हुआ है, GB2 लिखा हुआ है, ओके है, क्वेश्चन नंबर 3 में आके उसको थोड़ा 11 कर लेंगे, एक जगह एडजस्ट कर लेंगे, F12 दबा के पे पेस्ट करेंगे, उसकी कॉपी बन जाएगी, और कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के बाद दोबारा ओपन करेंगे, बैंक नंबर चेक करेंगे, हाँ बिल्कुल सही है, इसलिए आप सबमिट सबमिट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों का शेयर कीजिए, अल्लाह हाफिज़।